सो गाइस, सैमसंग ने फरवरी के मंथ में अपना गैलेक्सी फोल्ड अनाउंस कर दिया था, जो दुनिया का सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन बन गया। लेकिन रिसेंटली जैसे ये फोन रिव्यू के लिए रिव्यूअर्स के पास भेजा गया, तो इसकी डिस्प्ले को लेकर कुछ प्रॉब्लम सामने आई है, जैसे कि डिस्प्ले का फ्लिकर होना और यहाँ तक कि डिस्प्ले का हिंसा बैंड होना। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं एक्जैक्टली ये प्रॉब्लम हुई क्यों। तो सैमसंग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया, उस पर सैमसंग ने बोला है कि जो फोल्डेबल स्क्रीन थी गैलेक्सी फोल्ड की, उस पर एक प्लास्टिक की लेयर प्रोवाइड की थी सैमसंग ने फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। लेकिन कुछ रिव्यूअर्स ने वो प्लास्टिक की लेयर जो है वो रिमूव कर दी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो एक नॉर्मल प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड होगा। एंड जैसे ही वो प्लास्टिक लेयर रिमूव हुई, तो उसकी थोड़ी देर बाद लोगों को स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गई। तो अब बात करते हैं एक्चुअली प्लास्टिक की लेयर है क्या। तो जैसे ही आप सभी को पता होगा, गैलेक्सी फोल्ड में फ्लेक्सिबल ओएलईडी स्क्रीन का यूज़ किया गया है, एंड उसे फ्लेक्सिबल बनाने में कुछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। एंड सिंस प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक लेयर यूज़ की थी सैमसंग ने। एंड सिंस बॉक्स में कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई थी, तो लोगों ने स्क्रीन गार्ड समझ के उसे स्क्रीन से निकाल दिया, एंड इसी सबसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां प्लास्टिक लेयर रिमूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले पे कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं, जैसे कि हिंसे डिस्प्ले का बेंड होना। तो अगर इस चीज़ की बात करें, तो इसको डिज़ाइन का भी फॉल्ट कहा जा सकता है, सिंस इस डिवाइस में काफ़ी मूविंग पार्ट्स भी हैं और फ़ोन में जो हिंज है वो काफ़ी एक वीक पॉइंट है, जो ईजिली ब्रेक हो सकता है रेगुलर ह्यूमन यूज़ से। तो फ्रेंकली मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो सैमसंग ने थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी अपने गैलेक्सी फोल्ड को मार्केट में लाके, जहाँ उन्होंने पहले 2018 के एंड में अपना एक प्रोटोटाइप पहले शोकेस करा था, एंड उसी के कुछ महीने बाद फरवरी में उन्होंने गैलेक्सी फोल्ड अनाउंस कर दिया। तो मार्केट में नंबर वन बने रहने के लिए सैमसंग ने थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, क्योंकि हुआवे भी अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आने वाला है। तो देखते हैं क्या फीचर रहता है फोल्डेबल स्मार्टफोन का। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, एंड पसंद आई तो लाइक ऑलवेज लाइक एंड शेयर कर देना भाई वीडियो को, एंड अगर कंटेंट पसंद आया हो चैनल का तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।